हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल जी, उनसे जानेंगे। सर, यूपी के मंत्री जी का दौरा था, अग्रवाल जी का प्रशिक्षण को लेकर, निरीक्षण को लेकर दौरा था ग्लोबल, क्या कुछ कर? मैं यूपी के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल साहब का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनके मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क के निरीक्षण के लिए उनको भेजा और यहाँ पर जो नई नई ट्रेनें चल रही है, बच्चों के साथ उनकी बातचीत हुई और जब बच्चों के साथ और जब उनने इसका निरीक्षण किया तो बड़े प्रभावित हुए और उनने कहा है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जो सिंगापुर सरकार के सहयोग से प्रारंभ हो रहा है और ये नवाचार वो उत्तर प्रदेश में भी प्रारंभ करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मध्य प्रदेश में आकर के यूपी के लोग कुछ सीखने आ रहे हैं, हम भी हमारी टीम के साथ, उनके चीफ सेक्रेटरी उनके साथ में आए, उनकी पूरी टीम आए, उनके डायरेक्टर आए, वो भी यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं, हम भी कुछ नई चीज़ें उनसे सीख के आएंगे। धन्यवाद। तो सर, एक सवाल और था, दोनों राज्य में यूपी की बीजेपी की सरकार है तो क्या दोनों राज्य में मिलकर इस अवसर को बढ़ावा देंगे? अवश्य रूप से इस अवसर को बढ़ावा देंगे और जो ट्रेड यूपी में, यूपी के कुछ बच्चे भी हमारे यहाँ आए हैं और वो यूपी के बच्चों का भी एडमिशन हुआ है, हमारे यहाँ 5% 20% सीटें दूसरे स्टेट के लिए भी है और 5% सीटें हिंदुस्तान से बाहर के लिए भी है, उनके लिए भी। बाकी मध्य प्रदेश के बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि नए नए बच्चे अलग अलग इंस्टीट्यूट से, ITI और पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे यहाँ पर आके और नई टेक्नोलॉजी सीख करके जा रहे हैं और उनको रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और आगे भी रोजगार मिलेंगे। नई इंडस्ट्रियाँ भी यहाँ आ रही है और इंडस्ट्री की आवश्यकता के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड और ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू होंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्री जी निरीक्षण के बाद उनको कैसा लगा? ये उत्तर प्रदेश के मंत्री जी से उनकी बाइक लीजिए, आपको पता लगेगा। लेकिन कुछ तो चर्चा हुई होगी, वो बड़े प्रसन्न होकर के जा रहे हैं, उनकी टीम बड़ी प्रसन्न होकर जा रही है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो भी प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ थे मंत्री गौतम टेटवाल की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रशिक्षण यहाँ चल रहा है, निरीक्षण हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ उत्तर प्रदेश के भी युवाओं को रोजगार का अवसर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल।